हर हर महादेव फ्रेंड्स, श्रावण मास के पहले सोमवार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मनीषा सिंह स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके परीक्षा की तैयारी तो अच्छी स्पीड से चल ही रही होगी। तो आज लेकर आई हूं आप सभी के लिए काफ़ी अवेटेड वैकेंसी की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रही है SSC की तरफ से, दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव की रिक्रूटमेंट 2024 की रिगार्डिंग। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तहत ये भर्ती कराई जाएगी। इसमें अगर टोटल वेकेंट सीट की बात करें तो 9465 यानी कि 10,000 के तकरीबन सीट खाली है। इस बार कितने नंबर की सीट आएगी, इसका प्रक्रिया क्या होगा सिलेक्शन का, मतलब सारा डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सहित बताने वाली हूँ। लेकिन आप भी इसका जो RTI के थ्रू आंसर आया है कि इतना सीट वेकेंट है, या फिर इसका एग्जाम सिलेबस वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं, सारी की सारी अपडेट जॉब से रिलेटेड आपको मिलेगी कहाँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, जाइए वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, टोटल इतना सीट वेकेंट है, लेकिन इस बार जो भर्ती आएगी 4853 यानी 4853 पोस्ट के लिए, मींस कि 5000 के अप्रॉक्स सीट्स रहेगा। मेल कैंडिडेट के लिए 3398 यानी 3398, और फीमेल्स के लिए 1455 मतलब 1500 के करीब रहेगा फीमेल्स के लिए सीट। अब इसके लिए आपका क्या है, एज लिमिट एज ऑन 1st August 2024 कैलकुलेट होगा, मतलब कि 1 अगस्त 2024 के अनुसार आपका उम्र सीमा गणना किया जाएगा। 18 वर्ष से 25 वर्ष मतलब 18 to 25 ईयर्स एज का लिमिट रहेगा। साथ के साथ आपको पता है कि एज में रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 ईयर्स का और SC ST को 5 ईयर्स का। फॉर्म फी की अगर बात करी जाए, जनरल OBC और EWS से 100 रुपीज यानी कि 100 रुपया लिया जाता है। इसके अलावा जो भी कैटेगरी है जैसे कि SC ST, एक्स सर्विस मैन और फीमेल कैंडिडेट, इनका फी एग्जेम्प्टेड होता है, इनसे कोई फी नहीं ली जाती है। आगे बात करें कि व्हाट इज क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बहुत ही सिंपल है, जो भी 12 पास आउट कैंडिडेट है सभी अप्लाई कर सकते हैं। डजंट मैटर व्हाट इज योर स्ट्रीम इन 12th क्लास, अगर आपने आर्ट्स लिया था, साइंस है आपका, कॉमर्स है, किसी भी स्ट्रीम के बच्चे बस पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं। ये महिला कैंडिडेट के लिए था, लेकिन अगर आप मेल कैंडिडेट हो तो 12th पास आउट होने के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना एकदम कंपल्सरी होता है। हैवी मोटर व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल दोनों में से किसी एक का ड्राइविंग लाइसेंस है तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। अब बता दूं आपसे कि सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, मतलब कि किन किन स्टेज से गुजरोगे तब जाके आपका चयन होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है। एट फर्स्ट स्टेज यू हैव टू क्लियर द ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटर आधारित परीक्षा पास करनी होगी। उसके बाद फिजिकल, फिर DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्टली मेडिकल होगा सिंपल सा। उसके बाद आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर हैंड ओवर कर दी जाएगी। तो चलिए, हैंड ओवर करेगा आपको सरकार, उससे पहले क्या क्या प्रक्रिया होगा उसको हम लोग डिटेल वे में समझ लेते हैं। पहले ही आपको बता दिया है कि पहले स्टेज पर ऑनलाइन एग्जाम होता है, जिसमें कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, पर क्वेश्चन 1 मार्क मिलता है। टाइम की अगर बात करूँ तो 90 मिनट्स यानी कि 1.5 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग रहेगा 1/4 का। अब सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस रहेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन एंड लास्टली आपका कंप्यूटर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये ओवरऑल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए हो गया और समय 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का। इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए। तो वो क्या होता है, PET एंड PST दोनों चीज़ बताऊंगी। सबसे पहले आपका PST होता है, मतलब कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें आपका हाइट और चेस्ट मेजर किया जाता है। हाइट की अगर बात करूँ तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल्स के लिए 158 सेंटीमीटर रहेगा। चेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स 81 to 85 मतलब 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए। और रनिंग की बात रही तो रनिंग आपका 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर का होता है, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों के लिए सेम ही है 1600 मीटर का, बस टाइमिंग का डिफरेंस होता है। मेल कैंडिडेट को 6 मिनट का समय दिया जाता है 1600 मीटर के लिए और फीमेल्स को 8 मिनट यानी 8 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। देन आपका हाई जंप होता है,
14 फीट फॉर मेल कैंडिडेट एंड 10 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट। लास्टली लॉन्ग जंप होता है 3 फीट 9 इंच फॉर मेल कैंडिडेट एंड 3 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो दिस इज योर ओवरऑल फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें क्वालिफाई करने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, देन मेडिकल का प्रोसेस होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर सेंड कर दिया जाएगा। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो दिल्ली में एज अ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आपको वर्क करने का मौका दिया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट रहेगी, इसके लिए ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। तो ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है उसकी क्या सैलरी होती है, देखिए शुरुआती दौर में आपको 40,000 दिया जाता है, मतलब जैसे ही ज्वाइनिंग होगी ना तो आपको 40,000 पर मंथ आने लगता है, वो भी ट्रेनिंग के दौरान ही। उसके बाद आपकी सैलरी बढ़ा के 87,500 यानी कि 87,500 कर दिया जाता है। तो ये तो थी इसकी सारी बेसिक डिटेल्स, लेकिन अब एक पॉइंट ये आता है कि फॉर्म कब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। बार बार आप सभी को बता रही हूँ, तैयारी की स्पीड अच्छी रखिए। आपको पता है कि 10,000 के करीब आपका सीट वेकेंट है, जितना जल्दी हो सके सरकार इस भर्ती को लेकर आए, क्योंकि छात्र बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, अभी जैसे आपको पता है कि अगस्त स्टार्ट होने वाला, तो अगस्त के इन तक या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका ये फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। और लगे हाँ तो फिर आपको पता है कि एग्जाम भी करा लिया जाता है, तो तैयारी अभी से अच्छी होगी, तभी जाके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। आई होप कि पोस्ट की सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अब भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू जॉब की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलूंगी फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।